निगम के खिलाफ प्रदर्शन कर बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला ने निरंजनपुर के रहवासियों के साथ मिलकर मंगलवार को कलेक्टर लोकेश जाटव को ज्ञापन सौंपा। इंदौर के निरंजनपुर बस्ती के लोग नगर निगम की मल्टी बिल्डिंग में नहीं रहना चाहते हैं, जबकि नगर निगम चाहता है कि निरंजनपुर बस्ती के लोग उनके द्वारा बनाई जाने वाली मल्टी बिल्डिंगों में रहें। इसी बात का विरोध बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला ने कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन कर और कलेक्टर लोकेश जाटव को ज्ञापन सौंप कर किया। विधायक का कहना है कि निरंजनपुर बस्ती के तकरीबन 1500 लोग बीते 35 सालों से निवास कर रहे हैं और रहवासियों द्वारा नगर निगम को जल कर सहित अन्य कर भी दिए जाते हैं और कॉलोनी में सारी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके बावजूद भी रहवासियों को नगर निगम द्वारा बेघर किया जा रहा है, जिसका विरोध बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला ने कलेक्टर कार्यालय पहुँच कर किया। आपको बता दें कि ज्ञापन देते समय क्षेत्र के रहवासी भारी संख्या में मौजूद रहे, जो कि नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भी दिखाई दिए। 90% अनुसूचित जाति के लोग ये 35-40 साल से लगभग आए हैं। इनके अपने पहले उन्हें छोटी थी, धीरे धीरे नगर निगम के उसको नहीं पता उधर जाओ। इनका 30 से करा जाए तो वहाँ किसी को ठीक है, वहाँ से जब से रहते हैं इन्होंने अपने पूरे जीवन भर की कमाई से अपने पति करके पत्र पत्र मकान कोई झोपड़ी नहीं होती वहाँ डेने अच्छी रोड है, पानी की लाइन है, बिजली है, सब सारी व्यवस्थित रोड सब अच्छे, मतलब किसी से रोड तो वो नगर निगम वहाँ बोले मल्टी बनाए गए स्मार्ट सिटी, पहले स्मार्ट है सारे लोग, मतलब ऐसा नहीं आप देखें।